अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको कुछ अफोर्डेबल डूब्स या अल्टरनेटिव्स के लिए बताना चाहूँगी, कुछ लिपस्टिक्स के जो मेरे पास पाकिस्तानी ब्रांड्स की हैं, जिनके मैं आपको अल्टरनेटिव बताना चाहती हूँ कि अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हाई एंड प्रोडक्ट्स, तो आप वो वाली पाकिस्तानी ब्रांड्स की आप ले सकते हैं लिपस्टिक्स। ठीक है, अब मैक के लिपस्टिक्स बहुत पॉपुलर हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, हमें यहाँ बहुत इजीली मिल भी जाती हैं, पाकिस्तान में भी इनके ओरिजिनल सप्लायर्स होते हैं, आप लोग हमेशा चेक करके ख़रीदा करें, लेकिन ऑब्वियसली प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे हमें ऑस्ट्रेलियन तकरीबन 35-40 डॉलर्स की तो मिलती ही है एक लिपस्टिक, बाकी ये कि पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है उस अकॉर्डिंगली ही होगी। आई थिंक ये कितने की, आई थिंक सो शायद 6-7,000 की तो होगी ही। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ लिपस्टिक जो मेरे पास है, जो कलर मुझे बहुत वैसे पसंद भी है जी। तो ये हनी लव के नाम से मैक की बड़ी पॉपुलर लिपस्टिक है, मैं आपको इसका स्वाच दिखाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पाकिस्तानी इसका अल्टरनेटिव मैंने ढूंढा, मेरे पास बाय चांस जूश वालों से मैंने लास्ट टाइम प्रोडक्ट्स कुछ ख़रीदे थे, लिपस्टिक्स थी, लिक्विड लिपस्टिक्स भी थी और क्रीम लिपस्टिक्स भी थी, जो कि बहुत ही इनकी अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, ये पाकिस्तानी ही ब्रांड है, आपको इजीली इंस्टाग्राम पेज पे आप जाके इनके ऑर्डर भी कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट भी है। ठीक है, तो अच्छा, इनकी ये क्रीम लिपस्टिक है जिसका नाम है बॉम्बशेल, इसमें लिक्विड लिपस्टिक भी आती है लेकिन उस टाइम पे शायद अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, आप देखें कितनी प्यारी पैकेजिंग है इसकी, बहुत एक्सेलेंट है, बहुत ज़बरदस्त। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसका कलर कितना सिमिलर है हनी लव से। ठीक है, जो हनी लव है ये मैक की हनी लव है और ये जूश की बॉम्बशेल है। तो इसकी लिक्विड लिपस्टिक भी यकीनन बहुत ही अच्छी होगी, ये बहुत कंफर्टेबल है लिप्स पे और इनकी प्राइस तकरीबन आई थिंक 1750 की इनकी ये क्रीम लिपस्टिक्स हैं। ठीक है, तो अगर आप जैसे हाई एंड ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लिटरली आप देखें हमारे अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स निकालना शुरू किए हैं सब लोगों ने। मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ देम, क्योंकि मैं जब उन चीज़ों को यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होती है कि हमारे अपने लोकल, हमारे कंट्री में हर एक के लिए जब अफोर्डेबल रेंजेस निकलती हैं तो ये कितनी अच्छी बात है कि सबकी एक्सेस में है वो चीज़ें। तो इसलिए आप लोग ज़रूर यूज़ किया करें, अपने लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट किया करें, बहुत ही अच्छी बात होती है कि अगर आप सपोर्ट करें तो ज़रा सबके बिज़नेस ग्रो करते हैं। अच्छा, एक मेरे पास और ये फेंटी ब्यूटी की ये लिपस्टिक बहुत पॉपुलर रही है एक टाइम पे, अनबटन के नाम से, इसकी ये लिक्विड लिपस्टिक है, ऑब्वियसली ड्राई होके ये बिल्कुल मैट हो जाती है। मैं आपको इसका स्वॉच दिखाती हूँ कि इसकी जो अल्टरनेट मेरे पास एक और ड्यूप निकला, मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि ये शेड्स इतने सिमिलर हैं। तो ये जूश मेकअप जो है इनकी लिक्विड लिपस्टिक है जिसका शेड नेम है बटर पीकन। ठीक है, तो एक तो आप देखें पैकेजिंग कितनी प्यारी है इनकी ना, कि आपको कहीं से ये हाई एंड से कम तो लगती नहीं है, इतनी बेहतरीन है। अच्छा, इनकी लिक्विड लिपस्टिक जो है ना वो भी आई थिंक 1650 या 1700 के अराउंड ही हैं। तो आप ये देखें कि ये कितना सिमिलर शेड है और ये जब ड्राई होते हैं तो ये बहुत ही एक जैसे ऑलमोस्ट लग रहे होते हैं। तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप फेंटी की अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप जूश पे जाके इनकी लिक्विड लिपस्टिक्स, इनकी क्रीम लिपस्टिक्स बाय करें, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं फील होगा। लिटरली जब आप अपने लिप्स पे इनको अप्लाई करते हैं तो इतनी इनकी अच्छी क्वालिटी है कि मैं वही कहती हूँ कि मतलब मुझे बहुत खुशी होती है ये देख के कि हमारे पाकिस्तान में इतने इतने अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं। तो फिर नेक्स्ट है मेरे पास ये हुदा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक है, मैट लिक्विड लिपस्टिक है जिसका शेड नेम है स्वीट टॉकर, ये थोड़ी पिंकी में आ जाती है। ठीक है, इसकी भी ज़रा प्राइस यहाँ पर तो हमें तकरीबन, हम भी ज़रा सेल्स वगैरह का वेट करते हैं, जब सेल्स लगती हैं तो हम मोस्टली सेल्स में ही बाय करते हैं, लेकिन यह है कि आप देखें आपको पाकिस्तान में कहाँ ऑथेंटिक मिलती हैं चीज़ें। ओरिजिनल्स के नाम से एक पेज है, ओरिजिनल समथिंग, वहाँ से भी मिल सकती हैं, बाकी स्टोर्स हैं कुछ जो देते हैं, सप्लाई करते हैं, आप ज़रूर चेक किया करें।
ये इसका शेड है स्वॉच है लिक्विड लिपस्टिक जो हुदा ब्यूटी की है। एक्चुअल ज़रा ये ओरिजिनल है, आप भी हमेशा चेक करके लिया करें, ओरिजिनल प्रोडक्ट से यूज़ किया करें। अच्छा, जूश की जो मेरे पास इसका ड्यूप है वो है हनी कॉम के नाम से, ठीक है। ये भी शेड बहुत ही प्यारा शेड था, थोड़ा पिंकी उसमें ही आता था। मैं आपको इसका स्वॉच दिखाती हूँ, ठीक है, ये आप देखें, मतलब कि इतना सिमिलर, इतना क्लोज कि आप, और स्पेशली जब आप अप्लाई करते हैं, इनका फॉर्मूलाज भी बहुत अच्छे हैं। तो जूश का मेकअप आप लोग ट्राई करें ज़रूर, आप देखें। इतनी सारी ऐसी और शेड्स हैं, शेड रेंजेस हैं, ज़ाहिर है मेरे पास सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको सबके डूप्स निकाल निकाल के दिखाऊँ। तो लेकिन फिर भी आपको अगर अच्छी लगती हैं इस तरह की वीडियोज़ भी, तो आप मुझे बताया करें, ताकि मैं लिपस्टिक्स में, लिक्विड लिपस्टिक्स में, मतलब फाउंडेशंस में, पाउडर्स में, ब्लशेस में, जिस चीज़ में भी मेरे पास जो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हाइलाइटर्स में, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि क्या चीज़ें जो हैं वो ड्यूप्स हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी जिसमें मैंने जो लिप कॉम्बिनेशंस हैं ना, उसके बारे में भी मैंने सोचा हुआ था कि लिप पेंसिल्स के साथ कौन सी, लिप पेंसिल्स के साथ कौन से शेड ऑफ लिपस्टिक्स जो हैं वो अच्छे जाते हैं, और आपने अगर ऊपर ग्लॉस भी लगाना हो तो कौन सा जाएगा, वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी, मैं वो भी अपलोड करूंगी। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें मेरी वीडियोस को, कमेंट किया करें। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं या कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को आंसर करके। तो इसलिए आप लोग ज़रूर कॉमेंट्स में मुझे बताया करें कि आपको क्या और देखना चाहते हैं आप, या आपको कोई चीज़ वीडियो में जो समझ नहीं आई वो ज़रूर आप पूछा करें, और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों का भला हो, ठीक है। तो आप अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।